हेलो वीवर्स, तो आज का ये वीडियो है थर्ड पार्ट, जिसमें आप देखने वाले हैं वॉल हैंगिंग डेकोरेशन। तो आप जो ये स्ट्रिप्स देख रहे हैं, ये मैंने DIY करके घर पर बनाई है। आपका स्वागत है मेरे चैनल FC फूड पर और मैं हूँ फलक। तो ये एक क्विक लुक 0 से लेकर 12 मंथ्स का बेबी फोटोशूट आइडिया, जिसका वीडियो अपलोडेड है। हैप्पी बर्थडे का बैनर, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। और 1 डिजिट नंबर है बर्थडे नंबर, वो भी अपलोडेड है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने स्ट्रिप्स बनाई है, यानी कि तोरण बनाई है, वो किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं, इस तरह की पतली सैटन रिबिन, और इसके अलावा ये जो आप ब्रॉड वाली देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर में रिबिन, ये वाली और एक वाइट वाली। तो ये तीनों रिबिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए मैंने स्ट्रिप्स बनाई है। तो ये एक तो DIY ये है, जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको बस आइडिया के लिए दिखा रही हूँ कि ये भी प्रॉप मैंने यूज़ किया था बर्थडे पार्टी के दौरान। तो नॉर्मल बैनर्स हैं नाम के, जिसमें मैंने स्टिक लगा दी है, और इस तरह से प्लास्टिक का डब्बा था जिसपे ग्लिटर लगा दिया है और हार्ट चिपका दिया है। और ये भी माय फर्स्ट बर्थडे का बैनर मैंने घर पे बनाया है, बोर्ड जैसा है, इसे पीछे कार्डबोर्ड लगा दिया है ताकि ये इसके सहारे खड़े रहे अच्छे से टेबल पे। और इसका तो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर इसे देखना, क्योंकि इसे मैंने बेबी पाउडर जो होता है उससे बनाया है, उसके कार्टन से। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ग्लिटर पेपर सैटन रिबन के अलावा, और आपको यहाँ पे 3 सर्कल्स कट करने हैं अलग अलग साइज़ के। तो सबसे बड़ा ये है, ये जो अभी रखा है ये सबसे बड़ा है, और इसे पहले जो किया है वो सेकंड, और उससे भी एक छोटा बनाया है। तो इस तरह से 3 सर्कल्स कट कर लेंगे, और जो हमारे स्ट्रिप्स है उसमें हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली बस चिपका देंगे। तो आप अगर ग्लिटर पेपर ही सिर्फ यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसके अलावा चार्ट पेपर्स भी सेम कॉम्बिनेशन में, लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन में स्टिक कर सकते हैं स्ट्रिप्स पे इस तरह से। तो मैंने इस तरह से सर्कल कट करने के बाद में स्ट्रिप्स पे चिपका दिया फेविकॉल से, और ये मेरी ब्यूटीफुल सी वॉल हैंगिंग डेकोरेशन या फिर तोरण रेडी हो गई। तो बहुत अट्रैक्टिव लुक लगता है, इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको इन सारे डेकोरेशंस में से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।